कांकेर लोकसभा सीट पर भाजपा, कांग्रेस सहित अन्य पार्टी के कुल 9 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होगा। नाम वापसी की कार्रवाई के बाद कांकेर कलेक्टर एवं रिटर्निंग ऑफिसर अभिजीत सिंह ने सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया। यह सहयोगी है कि पिछले 2019 के चुनाव में भी 9 उम्मीदवार ही मैदान में थे, लेकिन इस बार बालोद जिले का एक उम्मीदवार विनोद नागवंशी भी शामिल है। वे ग्राम छेड़िया के रहने वाले हैं। बालोद जिले से उम्मीदवारी का यह पहला मौका है। स्थिति 1967 से 2024 के इतिहास यानी 57 साल में पहली बार बनी। सोमवार को नाम वापसी ही कार्रवाई के बाद कांकेर कलेक्टर एवं रिटर्निंग ऑफिसर अभिजीत सिंह ने सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया। कांकेर निर्वाचन शाखा से मिली जानकारी अनुसार नामांकन फॉर्म जमा करने वाले किसी भी अभ्यर्थी ने सोमवार को नाम वापस नहीं लिया। कुल 10 उम्मीदवारों ने नामांकन फॉर्म दाखिल किया था, जिसमें सत्यापन के बाद एक अमान्य व बाकी 9 मान्य पाए गए थे। सोमवार को नाम वापसी के अंतिम दिन सभी उम्मीदवार व उनके समर्थक मौजूद रहे। इस बार चुनाव मैदान में भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी भोजराम नाग, कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी बीरेश ठाकुर, हमर राज पार्टी से विनोद नागवंशी, गोडवाना गणतंत्र पार्टी से सुखचंद नेताम, बहुजन समाज पार्टी से तिलक राम, राष्ट्रवादी जनसभा पार्टी से भोजराज मंडावी, आम्बेडकराइट पार्टी से सोन सिंह, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से थाकेशमाला, सर्ववादी दल से जीवन लाल मातलाम के बीच मुकाबला होगा। बालोद से मोइन खान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।